छत्तीसगढ़ लाइव में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के साथ मैं हाजिर हूं लीना। आइए देखते हैं डीप लाइव की छत्तीसगढ़ लाइव में आज की सुर्खियां। लॉकडाउन में मनमाना किराया वसूली, 3 एम्बुलेंस वाहन किए जब्त। कोरोना से 740 कर्मचारियों की मौत, कर्मचारी संगठनों ने मांगी अनुकंपा की नौकरी। सेल्फी के चक्कर में गई युवक की जान, हाथियों ने युवक को पटक पटक कर मारा। फरार सब इंस्पेक्टर पर इनाम की घोषणा, गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट का है मामला। और समाज सेवी संस्था की नेक पहल, गरीबों को राशन का किया गया आवंटन। अब देखते हैं खबर विस्तार से। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए मनमाना किराया वसूलने वालों पर राजधानी रायपुर की पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान जिन 3 वाहनों को पुलिस ने जब्त किया, उनमें खामियां पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई के लिए RTO को भी पत्र लिखा गया। राजधानी की पुलिस को पिछले कुछ दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि एम्बुलेंस वाहनों के स्वामियों द्वारा लॉकडाउन अवधि का फायदा उठाते हुए मरीजों की गंतव्य से अस्पताल तक लाने और ले जाने के एवज में मोटी रकम की मांग कर लाभ कमाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना सिविल लाइन और थाना खम्हाडी पुलिस द्वारा 3 एम्बुलेंस वाहनों को पकड़कर उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि एम्बुलेंस के रूप में प्रयोग के लिए निर्धारित मानकों को पूरा ना कर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। इसे देखते हुए रायपुर पुलिस द्वारा उक्त एम्बुलेंस वाहनों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए RTO से पत्राचार किया जा रहा है। प्रदेश के 740 शासकीय सेवकों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। कर्मचारी संगठनों की मांग पर 36 विभागों ने ये जानकारी दी है। वहीं 16 विभागों से जानकारी आना भी बाकी है। शासन को मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना के संक्रमण से सबसे ज्यादा 372 मौतें शिक्षा विभाग में हुई हैं। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की है कि कोरोना महामारी में दिवंगत शासकीय सेवक के परिवारों के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। साथ ही जिन कर्मचारियों में पति पत्नी दोनों की मौत हो गई है, उनमें बच्चों को तत्काल नौकरी दी जाए, क्योंकि ऐसे अनेक परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सीता नदी उदंती अभयारण्य से रिसगांव रेंज में हाथियों ने आतंक मचा रखा है। यहां हाथियों की झुंड ने एक युवक को पटक पटक कर मार डाला। बताया जा रहा है कि युवक सेल्फी लेने के चक्कर में हाथियों के काफी नजदीक चला गया और भागते समय फिसल कर गिर पड़ा। मैनपुर ब्लॉक जिला गरियाबंद के ग्राम ढोलसरे निवासी युवक अशोक कुमार वरकाम हाथियों को देखने निकला हुआ था। इस दौरान वो हाथियों के झुंड में फंस गया, जिसके बाद हाथियों को नजदीक आता देख वो भागने लगा। तभी युवक का पैर फिसला और वो जमीन पर गिर गया। इधर पीछे से आ रहे हाथियों ने उसे झुंड से उठाकर फुटबॉल की तरह पटक पटक कर जख्मी कर दिया। हाथियों के जाने के बाद युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी अमलीपदर के पास उसकी मौत हो गई। गैंगरेप के बाद फरार सब इंस्पेक्टर के ऊपर पुलिस विभाग ने नाम घोषित कर दिया है। इस मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी को विभाग पहले ही बर्खास्त कर चुका है। कांकेर जिला अंतर्गत थाना भानु प्रतापपुर में अनाचार और पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में फरार आरोपी किशोर तिवारी को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। आरोपी द्वारा अपने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार कर उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक MR अहिरे द्वारा नगद इनाम घोषित किया गया है। विभाग द्वारा पूर्व में ही किशोर तिवारी को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। राजधानी रायपुर में दुर्गा प्रसाद प्रेमा मिश्रा समिति सेवा संस्था द्वारा गरीब परिवारों को राशन मुहैया कराया गया। इस संस्था द्वारा कोरोना काल में जरूरतमंदों को समय समय पर इसी तरह की मदद की जा रही है। ये राशन नेहरू नगर और कालीबाड़ी निवासी 60 परिवारों को दिया गया है। यहाँ के लोगों द्वारा दुर्गा प्रसाद प्रेमा मिश्रा समिति सेवा संस्थान से संपर्क कर भोजन की व्यवस्था करने के लिए मदद मांगी गई थी, जिसके बाद संस्था द्वारा तुरंत इन 60 परिवारों के लिए राशन का इंतजाम किया गया। बीते 2 वर्षों से ये संस्था लोगों की मदद के लिए बहुत से कार्यक्रम और सहयोग कर चुकी है। आज हमारी संस्था, जिस प्रकार हमारे शासन प्रशासन ने कहा था कि आम लोग भी आगे आए, NGO आगे आए और लोगों की मदद करे, इस कठिन घड़ी में हम सबको मिल के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ना है, तो उसी के देखते हुए हम आज 60 परिवारों को अपने संस्था के ओर से राशन दे रहे हैं, जिसमें हर घर में 2-2 किलो आटा दिया जा रहा है। उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था और ये मतलब अपनी आशा जाहिर की थी कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमने तुरंत उस पर सोच विचार करते हुए उन्हें ये मुहैया कराया है।
अवैध रूप से दूसरे प्रांत की अंग्रेजी शराब की बिक्री और भंडारण करने वाले दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से चंडीगढ़ में निर्मित अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। नवा रायपुर में राखी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल में शराब का कार्टून रखकर अवैध रूप से शराब बिक्री करते हुए पकड़ा। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम इकराम खान, निवासी ग्राम पचेड़ा अभनपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा इकराम खान से शराब के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा शराब को राजिम निवासी राजेंद्र सिंह उर्फ दद्दू ठाकुर से लाया जाना बताया। साथ ही उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर के पैरावट में छिपाकर रखी गई 10 पेटी अंग्रेजी शराब को भी जब्त किया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संकट जारी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायक निधि को मुख्यमंत्री राहत कोष में लेने का आदेश जारी किया है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार पर कई तीखे सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए हम सरकार की पहल से मदद कर रहे हैं, लेकिन विधायक निधि से जिन कार्यों की स्वीकृति मिल गई है उनका क्या होगा। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सभी विधायकों द्वारा विधायक निधि की राशि को कोविड महामारी को रोकने के लिए जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड बढ़ाने, अस्थायी कोविड केंद्र के लिए जिला कलेक्टर को राशि की अनुशंसा पहले ही दी जा चुकी है। ऐसे में सरकार द्वारा विधायक निधि ले ली गई तो पूर्व में जो कार्य स्वीकृत हुए हैं वो कैसे पूरे होंगे। जिस प्रकार से अभी जो समाचार पत्रों में जो देखने को मिला है कि कल एक आदेश जारी हुआ और उसमें सभी को वैक्सीन के लिए उसमें समायोजन करने की बात है, न इस संदर्भ में सरकार की तरफ से कोई मुख्यमंत्री जी की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से न तो प्रतिपक्ष के विधायकों से कोई बातचीत की गई, न उसे विश्वास में लिया गया और इस प्रकार के जो निर्णय लिए गए हैं मैं ये कह सकता हूँ कि ये स्वेच्छाचारिता है। वास्तविक में हम लोग कोविड के संकट के समय में हम लोग बोल चुके हैं, सर्वदलीय बैठक में भी हम लोग बोले हैं, उसके पहले भी बोले हैं। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ सरकार के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष के पत्र पर कहा कि कांग्रेस विधायकों ने अपनी स्वेच्छा से फैसले लिए हैं, भाजपा नेताओं को भी आगे आना चाहिए, उन्हें सवाल कांग्रेस सरकार से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री से पूछने चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जब केंद्र जब यही भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जी से पूछ नहीं सकते थे कि जब लोकसभा में और राज्यसभा के सांसदों के उनके उनके हद अधिकार और हक का फैसला स्वयं प्रधानमंत्री ने ले लिया। हम सब ये विधायक दल ने फैसला लिया, विधायकों ने अपनी मंशा रखी है, हम लोगों ने बैठ के बात की और अब विधायकों लोग ने अपनी मंशा अपने मुख्यमंत्री के सामने जाहिर की। कोरोना संक्रमण की रोकथाम में कोविड-19 वैक्सीन ज्यादा असरकारक है और ये साबित हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। वहीं यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीधर ने कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद संक्रमित होने के मामले बहुत ही कम आए। मेघाहारा के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सुंदरानी का कहना है कि अभी संक्रमण फैला हुआ है और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो संक्रमित हो चुके हैं लेकिन बिना लक्षण के हैं और वे उसी समय वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा रहे हैं। कोरोना के लक्षण स्पष्ट रूप से सामने आने में ही 4 से 5 दिन लगते हैं और इस बीच वैक्सीन लगवा लिए तो ऐसा लगता है कि दूसरी डोज के बाद संक्रमित हो गए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीधर ने कहा कि वैक्सीन संक्रमण से 100% सुरक्षा नहीं देती, ये पहले ही विशेषज्ञों ने बताया है कि वैक्सीन 70 से 80% प्रभावी है। वैक्सीन कोरोना वायरस को शरीर में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता, इसके लिए हमें कोविड अनुकूलन व्यवहार का पालन करना ही होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद संक्रमण होने पर गंभीर स्थिति की संभावनाएं या अस्पताल में भर्ती होने की संभावनाएं न्यूनतम रहती है। हमें मास्क लगाना, भीड़ से बचना और हाथों को नियमित रूप से साबुन पानी से धोना आवश्यक है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके पुत्र अभिषेक सिंह के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से की थी, जिस पर पीएमओ ने राज्य सरकार को जांच के लिए वापस भेज दिया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री के आय से अधिक संपत्ति मामले का जिन बोतल से बाहर निकला है। इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने पीएमओ से जांच की मांग की थी, जिस पर पीएमओ ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पुत्र की आर्थिक अनियमितताओं और आय से अधिक अनुपात हीन संपत्ति के शिकायती पत्र
सचिव को ट्रांसफर कर दी है। इस पूरे मामले में विनोद तिवारी के मुताबिक पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने चुनाव आयोग में जो शपथ पत्र दाखिल किया था उसमें उनके द्वारा अर्जित संपत्ति और उसमें बढ़ोतरी का कोई ठोस स्रोत नहीं बताया गया है। 5 अप्रैल को भारत सरकार ने विनोद तिवारी की शिकायत पर एक पत्र छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव के नाम शिकायती पत्र सहित जांच के लिए भेजा है, जिसकी एक प्रतिलिपि विनोद तिवारी को भेजी गई थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन को भारत सरकार के पत्र के संबंध में जानकारी मेल के माध्यम से विनोद तिवारी ने दी है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।